हेलो। तो यार आजकल इंटरनेट पे क्या चल रहा है? सबमरीन बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। या फिर महेश दल्ले? अबे सबसे ज्यादा अपना भाई चल रहा है MDR थिंग्स। ये रे एक भाई के 250 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो भाई को, जल्दी वहाँ से हटो। तो यार अभी सबसे ज्यादा चल रहा है बिग बॉस का सीजन 3, यानी कि नेपोटिज्म वर्सेस यूट्यूबर्स। मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे लोग लड़ते रहते हैं आपस में और सलमान भाई से बुली होते रहते हैं। लेकिन इस बार पुनीत सुपरस्टार की एंट्री देख के कई लोगों ने मेरी तरह बिग बॉस का ये सीजन देखा। ठीक है, पुनीत ने लोगों को एक दिन में इतना कंटेंट दिया जितना बिग बॉस के पूरे 3 सीजन में नहीं था। अरे भाई 3 ही सीजन थे ना, मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। पर इसे झेलना कोई आसान काम नहीं है, बिग बॉस के घर के अंदर ही मौत का खेल शुरू कर दिया, इसी वजह से इसको दूसरे दिन ही निकाल दिया। अब देख तू। पर पुनीत वो बंदा नहीं है जिसको बिग बॉस से निकाल दिए जाने पर उसका नुकसान होगा। पुनीत ने यूनो रिवर्स कार्ड डाल के बिग बॉस की ही TRP नीचे गिरा दी। अच्छा। अरे सल्लू भाई आपकी TRP कहाँ है? हम पे तो आई नो। ये सबमरीन समुंदर में बहुत ही तेजी से नीचे गई थी, लेकिन अगर इससे भी तेज कुछ था तो वो था पुनीत सुपरस्टार के निकलने के बाद जियो सिनेमा की रेटिंग 4.1 से सीधा 1.9। मुझे क्यों तोड़ा, पर जो भी हो फिर भी मेरे व्यूज से तो ज्यादा ही है। हम पे तो आई नो। वैसे ये बात तो सही है, बिग बॉस के जजेस से अच्छे तो हमारे ब्लॉग्स के टीम मेंबर्स होते हैं। जजेस ने फुकरा इंसान जो कि नंबर 1 पे थे उनको नंबर 6 पे कर दिया और पुनीत को नंबर 2 से नंबर 10 पे कर दिया। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? जबकि बाकी लोगों को उतने लोग जानते तक नहीं जितने पुनीत सुपरस्टार के पोस्ट हैं इंस्टाग्राम। बिग बॉस वालों ने कहा था कि इस सीजन में ऑडियंस की सुनी जाएगी, लेकिन इतना बड़ा झूठ तो YPM व्लॉग्स के क्लिकबेट वाले थंबनेल में भी नहीं मिलता। दुनिया में किसी से भी पंगा ले सकते हैं, लेकिन कोई भी पुनीत सुपरस्टार से पंगा नहीं ले सकता। या MC Stan को ही देख लो। तुम्हारे कंटेंट को भाई नहीं क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती, नहीं क्या कंटेंट नहीं समझते तुम्हारे कंटेंट को, क्या बोलेंगे तुम इस पे? सही है, मेरे को भी क्रिंज लगा, लेकिन नहीं क्या मैंने देखा तो यही क्या बोल रहा था अभिषेक, अभी उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है, इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। अबे भाई तुम हो कौन, खुद को कोई जानता भी नहीं और दूसरों को ये बोल रहा है कि ये तो सिर्फ यूट्यूबर ही है। है तो वो भी यूट्यूबर ही। अबे भाई ये देख, काश इंटरनेट पे पेस्ट कंट्रोल छिड़क पाते, काश। और ये इसकी बहुत नॉर्मल कंडीशन है, दिन में ज्यादातर तो ये इससे भी खराब स्थिति में रहता है। कोशिश करी और निकलवा दिया। और दूसरी बात था कि भाई OTT 2 जो अभी ये दूसरा सीजन आया है इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई इस बार जनता करेगी फैसला, तो भाई जब जनता करेगी तो जनता से करवाओ ना, जनता से झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। बाजी बदल लिया साला, धन्यवाद।